बारबेक्यू नेशन इंडिया, आपसे मेरा तहो दिल से एक रिक्वेस्ट है, आप खुद कभी बारबेक्यू नेशन GMS छोड़ाओ, ये बेस्ट है। ए माऊ इधर देख, भोपू लगा के घूम रहा है, ये देखो ये है सिम्बा। माऊ अभी देंगे खाना आपको। माऊ 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 क्या मंगा रखा है? बारबेक्यू इन अ बॉक्स। बारबेक्यू इन अ बॉक्स, बहुत टाइम बाद अपन ने मंगा रखा है बारबेक्यू मील इन अ बॉक्स। ये इनका एक नया मील बॉक्स आया है जो कि है ओवरलोडेड नॉनवेज। इसमें नॉनवेज के सारे आइटम्स है, कुछ नया है जो लॉन्च कराया है बारबेक्यू नेशन ने। लेट्स जस्ट फाइंड आउट कि वही इनका टेस्ट इतना बेहतरीन था या घर आके भी इनका टेस्ट वैसे ही बरकरार रहता है। लेट्स जस्ट फाइंड आउट। आज हम अनबॉक्सिंग भानवे से इसलिए करा रहे हैं क्योंकि ये नॉनवेज नहीं खा रहे हैं बिल्कुल भी। ओए हाय हाय हाय, क्या खुशबू आ रही है भाई। परवाने समा गए परवाने से। तो भाई अपन वापस आ चुके हैं देहरादून। बाहर हो रही है हल्की हल्की बारिश और अपने आसपास के इलाकों में बर्फ पड़ चुकी है। मसूरी, धनौल्टी, चकराता, हर जगह बर्फ से ढकी हुई है। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ कितना ज्यादा बेहतरीन मौसम हो रहा होगा, और इस बेहतरीन मौसम के लिए भाई इससे बेहतरीन मील और कोई हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती ऐसा। तो ऐसा कुछ दिखता है अपना बारबेक्यू मील इन अ बॉक्स नॉनवेज ओवरलोड। ये थोड़ा सा मैसी हो चुका है क्योंकि सब कुछ ये जूसी रहता है, तो काइंडली इग्नोर दैट मेस। सबसे पहले यहाँ अपने पास गार्लिक प्रॉन्स 5 या 8 पीस आते हैं। इस साइड है अपना फिश टिक्का, भाई साहब दिखने में देखो क्या बेहतरीन लग रहा है। ये रहे अपने चिकन विंग्स, ये 3 पीस आते हैं। ये रहा अपना चिकन टिक्का मसाला है, और बाकी ये रहा अपना तंदूरी तंगड़ी, ये 2 पीस आती है भाई, ये भी गजब लग रही है। ये आइटम्स है अपने स्टार्टर्स के। वहीं अगर मेन कोर्स की बात की जाए तो फिर भाई ये रहा अपना मटन रोगन जोश, दिखने में बेहतरीन लग रहा है। इस साइड है अपनी एग करी, अगेन दिखने में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। और ये रहा अपना फेवरेट बटर चिकन। ब्रेड्स की बात की जाए तो फिर भाई ऐसे 3 लच्छे पराठे आपको मिलेंगे। मैंने एक्स्ट्रा अपने लिए बटर नान भी मंगवा रखी है, और बारबेक्यू नेशन वाले हमेशा अपने कुकिंग इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, तो इन्होंने ये अनकटी भेजी है। और ये रही भाई अपनी चिकन दम बिरयानी, इसका साइज देखो, क्वांटिटी भाई सभी आइटम्स की बहुत ही ज्यादा अच्छी है। बाकी इधर आ जाए तो फिर ये रहा अपने डेजर्ट का आइटम, 8 पीस अपने अंगूरी गुलाब जामुन। ये रही अपनी चॉकलेट ब्राउनी, क्या बेहतरीन लग रही है। और इस साइड है अपना मूंग दाल हलवा। इधर है रायता, हरी चटनी, ये इनका इन हाउस मेयो, और ये रहा ग्रीन सैलेड। सबसे ज्यादा मजा इसी को देखने में आ रहा है भाई, बहुत ज्यादा कलरफुल भाई। ऐसी कुछ है अपनी बारबेक्यू मील इन अ बॉक्स। प्रत्येक आइटम भाई क्या बेहतरीन लग रहा है, क्या बेहतरीन तरह से इन्होंने भेजा है भाई, चुम्मेश्वरी लाजवाब। लेकिन 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 इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, रिसेंटली मेरे बहुत से दोस्त मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैं कीबोर्ड कौन सा यूज करता हूँ अपने फोन में, क्योंकि हर बात पे मेरा एक जवाब रहता है, काउंटर रहता है एक स्टिकर, मीम, इमोजी या फिर इमोट से। और वो लोग हैरान हो जाते हैं कि भाई इतनी जल्दी तो ये रिस्पॉन्स लादा कहाँ से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक चीज़ मैं अपने वीडियो में भी शेयर कर दूं। मैं यूज़ करता हूँ बॉबल कीबोर्ड, और ये देता है टन्स ऑफ फीचर जिससे आप अपनी चैट्स को इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग, दोस्तों के लिए बेइज्जती भरा और अच्छे दोस्तों के लिए प्यार भरा बना सकते हो। देखो मैं फटाफट से आपको इसके कुछ फीचर्स भी बताता हूँ। जनरली अपन लोग वही घिसे पिटे पुराने बोरिंग स्टिकर्स ही यूज़ करते रहते हैं चैटिंग में, लेकिन बॉबल कीबोर्ड में आपको मिल जाते हैं 3D एंड एनिमेटेड स्टिकर्स जो कि आपकी चैट को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग बना देते हैं। सेम गोज विद आपका नॉर्मल टेक्स्ट, हम टेक्स्ट करते हैं लेकिन वो टेक्स्ट हर बारी आपके इमोशंस को अच्छे से कन्वे नहीं कर पाता है, इमोट नहीं कर पाता है। तो यहाँ आपको मिल जाता है कलरफुल टेक्स्ट स्टिकर का ऑप्शन, जहाँ आपके टेक्स्ट अपने आप स्टिकर बन जाते हैं और सामने वाले तक आपकी भावनाएं अच्छे से पहुँच जाती हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट फीचर मेरे को बॉबल कीबोर्ड का ये लगता है कि इसमें मीम्स अवेलेबल है, मतलब आप किसी के भी टेक्स्ट का तुरंत रिप्लाई कर सकते हो मीम्स के द्वारा। और इधर आपको मिलेंगे फनी, पॉपुलर, फेमस, जितने भी मीम्स मार्केट में चल रहे हैं वो सारे के सारे मीम्स आप इसी कीबोर्ड के द्वारा डायरेक्टली भेज सकते हो किसी भी दोस्त को। और अगर इतने सारे फीचर से भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती है तो फिर आप यूज कर सकते हो इनका बॉबल हेड फीचर, जहां आप अपना फेस लगा सकते हो और उसका स्टिकर बना सकते हो, ऊपर नीचे आप उसके कुछ भी लिख सकते हो। और इतना ही नहीं, यहाँ आपको मिलेंगे टन्स ऑफ फॉन्ट्स, जोक्स, शायरियां, थीम्स जो कि आप डेली यूज कर सकते हो। साथ ही साथ इनका स्टोरी ऑफ द डे फीचर भाई बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। इधर आपको मिल जाती है अपनी हर ओकेजन के लिए एक अमेजिंग स्टोरी जो कि ये लोग डेली अपलोड करते हैं। तो फिर वेट किस बात का कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है, वहां जाओ डाउनलोड करो और एक बार यूज करके देखो। एंड आई गारंटी यू गाइस कि इसको यूज करने के बाद आप वापस अपने नॉर्मल कीबोर्ड में कतई नहीं जा पाओगे भाई। जाओ डाउनलोड करो और इस अमेजिंग कीबोर्ड के फीचर्स का लुफ्त उठाओ, डाउनलोड नाउ। ठीक है, फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट अपने वाइब्रेंट कलर वाले सैलेड के साथ। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड एंड फॉर एवरीथिंग एल्स। बारिश है ये, करते हैं इसमें डिप। ओए होए, बाहर बारिश की आवाज आपको आ रही होगी। चलो
भाई कुछ ज्यादा ही तेज होगी बारिश। स्वाद आ गया। और ये देखो जरा शक्ल चिकन विंग की, बेहतरीन। ओले पड़ रहे हैं भाई। ओले पड़ रहे हैं? हाँ। एक क्लोजअप दे देना भाई। कहाँ है भाई ओले? अबे पिघल गए नीचे तो है भाई। देखो जरा क्या मूसलाधार बारिश हो रही है। ऊपर मौसम देखो खतरनाक। ये है तो ये ले देखो। हाँ मतलब पिघल गए तुरंत। स्वाद आ गया। लेट्स ट्राई देयर गार्लिक प्रॉन्स। जो इनका बैटर होता है ना, जिस भी आइटम का बनाते हैं, इतना बेहतरीन होता ना, परफेक्ट इन स्पाइसेस। हाय हाय वाह। फिश टिक्का ट्राई करें। ये जोमैटो वगैरह के आने की वजह से कितना कन्वीनियंट हो चुकी है ना हर एक चीज। भुनी भी हरी मिर्च क्या हो रही है मिर्च के साथ यार, कितना कन्वीनियंट हो चुका है ना। मतलब ये एक प्रॉपर ग्रिल्ड चीज है, मेरे पास घर तक आ रही है। घर तक हार्डली आधा घंटा लगा इसको यहाँ आने में, और एकदम परफेक्टली आई। मतलब मुझे कुछ अपने यूटेंसिल्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। वैसे डिप करो। और हर आइटम इतना परफेक्टली कुक्ड है ना कि हड्डियाँ चबा जा रहा हूँ मैं। एक चीज़ जो मुझे हमेशा अमेज करती है बारबेक्यू नेशन में, वो ये है कि इतने सारे आइटम्स में ना कोई इक्का दुक्का आइटम तो होता है जिसमें आप कमी निकाल दो, बट नहीं। आपको ट्रस्ट में कोई ऐसा आइटम नहीं मिलेगा। थोड़ी सी ग्रेवी। उल्टा आज लगा रहा हूँ कि सीधा यहाँ ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। ये अपना नया ग्लास है भाई, इंस्टाग्राम वालों ने देख भी लिया होगा। ऐसा ही लग रहा अपना आइस एज वाले टाइम का ग्लास। कॉफ़ी है जो मैंने खुद बनाई है, और क्या ही कोई कॉफ़ी इसके सामने टिकेगी भाई। अपना GMS रोड का जो बारबेक्यू नेशन है उधर के मैनेजर हैं अनिल जी, ग्रेट पर्सन भाई, बहुत अच्छे आदमी है। मतलब अगर इन पर्सन आप कभी वहाँ जाओ और वहाँ मील कंज्यूम करो, सिर्फ उस एक इंटरेक्शन से आपके उनके साथ अच्छे रिलेशन बन जाएंगे। मतलब अभी जैसे सलाल भी मेरे साथ गया था,
ठीक है, तो वहाँ थोड़ी बातचीत हुई पहली बार वो सलाल से मिले, उसके बाद सलाल दोबारा गया और कभी वैसी मील्स भी मंगाता है, कस्टमाइज़ करवा देता है कॉल पे, जोमेटो से ऑर्डर करता है फिर कॉल करके बोलता है अच्छा ऐसा ऐसा कर देना, वो कर देते हैं। तो भाई ऐसी सर्विस आपको मेरे ख्याल से कहीं नहीं मिलेगी। और ये देखो यार फिश क्या परफेक्टली कुक्ड है, कैसे एकदम मतलब मक्खन की तरह निकल रही है। अमृतसर की फेमस थी ना मक्खन फिश, आज सिम्बा को पहले ही खाना इसलिए खिला दिया था क्योंकि भाई आज उसको खुशबू आ रही होगी तगड़ी, इसलिए पहले ही खाना खिला के उसको खिला दिया था। मेन कोर्स में आए फटाफट से बढ़ जाते हैं भाई मेन कोर्स की तरफ, आज की मील क्योंकि बहुत ज़्यादा बढ़िया। ये रहा इनका बटर नान, आप बस लेयर्स देखो भाई, बारबेक्यू नेशन आपने दिल खुश कर दिया भाई। परफेक्ट कलर, परफेक्ट कंसिस्टेंसी, एक जरा बड़ा सा इस पे पीस रखते हैं, शक्ल देखो आए हाय। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑथेंटिक बटर चिकन जैसा नहीं है ये, बट मुझे ये वाला वर्जन ज्यादा पसंद आ रहा है। भाई अगर बारबेक्यू नेशन में ऐसा बटर चिकन मिल रहा है ना तो फिर मैं बटर चिकन कहीं और से नहीं ऑर्डर करने वाला। और हाँ पहली बता दूँ मैं इसका आपको बिल दिखा देता हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मुझे अदरक ना बिल्कुल पसंद नहीं है खाने में, मतलब पकाते टाइम आप डाल दो उसका एक हिंट आ जाए खाने में तब भी ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दो तब भी ठीक है, लेकिन ये जो लच्छेदार डाल दिए जाते हैं ना ऊपर से मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आते। बट इसके साथ बढ़िया लग रहा भाई। GMS रोड बारबेक्यू नेशन के जो भी शेफ़ हैं भाई साहब उनको रेज मिलना चाहिए बहुत तगड़ा, साथ में मैनेजर हैं जो उनको भी तगड़ा रेज मिलना चाहिए, क्योंकि भाई ऐसी सर्विस यार प्लस ऐसा खाना, ये दोनों चीज़ों का ना कॉम्बिनेशन होता है। कई जगहों का खाना अच्छा होता है सर्विस अच्छी नहीं होती, स्टाफ का बिहेवियर अच्छा नहीं होता तो फिर वो अच्छा खाना अच्छा नहीं लगता। बेस्ट कब होता है, खाना भी अच्छा हो, स्टाफ का बिहेवियर अच्छा हो, एम्बियंस अच्छा हो, ये सब चीज़ें जब अच्छी होती हैं ना तब जाके जो टेस्ट होता है ना फिर वो दुगना ही लगने लगता है। एग करी में मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं किस किस आइटम की तारीफ करूं, आप प्लीज इसकी शक्ल देखो और आप मेरे को खुद बताओ क्या ये तारीफ लायक नहीं है। थोड़ी सी ग्रेवी में डिप करें, हाय हाय ओ भाई कंसिस्टेंसी देखो इस एग करी की, ये करी निकाली कंसिस्टेंसी देखो, एक और बार डिप कर देते हैं ये देखो, और ऐसा नहीं ग्रेवी नहीं है, देखो ग्रेवी है अगर मैं ज़्यादा जोर करूँगा तो निकलेगी, बट स्टिल ये देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा थिक।
बारबेक्यू की नेशन इंडिया। आपसे मेरा तहो दिल से एक रिक्वेस्ट है, आप खुद कभी बारबेक्यू की नेशन GMS छोड़ाओ, जो भी सुपरवाइजर है ये खाना खाओ ज़रा। मैंने मुंबई में बारबेक्यू नेशन खा रखा है, देहरादून में बहुत बार खा रखा है, NCR में खा रखा है, इंटरेस्ट में से दिस ये बेस्ट है, इससे बेटर मैंने आज तक नहीं खाया बारबेक्यू नेशन में खाना। जो भी शेफ़ है ना, जो भी टीम है आपकी यार GMS रोड, लच्छा पराठा भाई, बटर चिकन तो देखो ट्रूली एक्सेप्शनल है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट। मैं बाकी के जो भी आइटम है ना, जैसे मटन हो गया, एग करी हो गया, ये मैं खा रहा हूँ, बढ़िया परफेक्टली स्पाइस्ड, मन कर रहा है दोबारा से एक और बाइट ले लूँ इसका। लेकिन बटर चिकन के साथ क्या हो रहा है, बटर चिकन का आप बाइट बनाएं, इसकी ग्रेवी को पहले निहारें, क्या बेहतरीन लग रही है। मेरे टेस्ट बस ना थम जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि पहले सेवर करने दो ये टेस्ट, समझ। जब एक बाइट लो ना, उसके बाद 30 सेकंड के लिए ना आपके टेस्ट बर्ड्स ऐसे खुश हो जा रहे हैं ना, क्या बताऊँ मैं। ये ना मेरी तगड़ी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी बारबेक्यू नेशन से कि जो भी ग्रेवी है ये इस ग्रेवी में एक वेज आइटम वेजिटेरियंस के लिए भी बनना चाहिए। ये ग्रेवी पे सबका हक है, मैं चाहता हूँ कि हर कोई इस ग्रेवी को ट्राई करे। इससे याद आया कि हाँ, इनका वेजिटेरियन मील बॉक्स भी है, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँ, कौन कौन से आइटम्स होते हैं, क्या प्राइस है और क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, जस्ट टाइप बारबेक्यू नेशन वेज मील इन अ बॉक्स। मारा तो मन ना कर रहा इससे रुकने का, अभी आगे बढ़ते हैं बिरयानी पे। इसकी शक्ल देखो, 10 जगह में गिराते हुए जा रहा हूँ इसे, बट आप इसकी शक्ल देखो जरा, हल्का सा स्वीट हिंट आ रहा है, ना तो मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है ना मुझे ज़्यादा बुरा लग रहा है, बट एनीवे एक लेग पीस भी निकल चुका है, आई होप इधर दिख रही हो, रायते के साथ ट्राई करते हैं भाई। Amazing. थोड़ी सी और लेंगे, थोड़ा सा मटन डालते हैं, वाह लोग बोलते हैं नॉन वेज के साथ दूध का कोई भी आइटम नहीं खाना चाहिए, बिरयानी के साथ दही खाते हैं, रायता खाते हैं, ऐसा क्यों। क्योंकि बहुत टेस्टी होता है, मेरे ख्याल से इसका यही जवाब होगा।
मुझे एक आधा बाइट खाना है भाई नॉनवेज का। आप घर में अगर बैठे हो और ये ग्रेवी देख के आपका अगर बटर चिकन खाने का मन नहीं कर रहा है तो आप फूडी नहीं है भाई। एग करी मैं जान मुश्किल ज़्यादा नहीं खा रहा हूँ क्योंकि एग करी मम्मी खा लेती है, मम्मी बाकी चिकन मटन कुछ नहीं खाती। ठीक है साइड रखो ज़रा, सबसे ज़्यादा बेहतरीन लग रही है। भाई स्वाद दिला दिया तुमने, कसम से बता रहा हूँ सिर्फ एक कमी है, नान पापड़ बन चुका है, इसकी जगह अभी यहाँ ब्लैक पेपर का बटर नान हो रहा है सॉफ्ट। ओए होए मैंने बटर चिकन ख़त्म कर जाना था गारंटी। एक बढ़िया बात बताता हूँ भाई, मैंने ना आज देखे टॉप 10 मोस्ट कंज्यूम्ड फूड आइटम्स, कमेंट सेक्शन में गेस करो, तब तक आपको लिस्ट यहाँ दिखाई दे जाएगी, लेट्स जस्ट सी किसके कितने सही होते हैं। टॉप 10 ये भी तो है। सेवेंथ नंबर पे है अपना पिज्जा, सिक्स पे है आलू, फिफ्थ पे ब्रेड्स हैं और फोर्थ पे पास्ता है, ऐसी कुछ है, बाकी गेस करो। और अपन तब तक जरा ये मूंग दाल का हलवा ट्राई करते हैं भाई, मूंग दाल का ये नहीं, ऊपर से काजू वगैरह डाल रखे हैं, बढ़िया। अमेजिंग, इससे बेहतरीन एंड नहीं हो सकता था। मैं पूरा पूरा इसको फिनिश नहीं कर रहा हूँ मीठे को क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलरी डेंस रहता है और मैं थोड़ा सा वेट थोड़ा सा अपना कम करने की कोशिश करूँगा। यहाँ देखो आहा, ये हैं अपने अंगूरी गुलाब जामुन। भाई परफेक्ट मीठा, हाउ कम हाउ, कैसे हर एक आइटम इतना बेहतरीन हो सकता है यार। ब्राउनी, चॉकलेट ब्राउनी, अलग मीठा, बट फैट लॉस के टाइम पे नहीं। आज की वीडियो की बात की जाए तो आई डोंट थिंक कि मुझे अब कुछ भी और बोलने की ज़रूरत है बारबेक्यू नेशन के लिए। परफेक्ट डिलेक्टेबल मील, परफेक्ट मौसम के साथ आप आंख बंद करके या तो बारबेक्यू नेशन GMS रोड जा सकते हो या फिर वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो अपने घर में ही खाना। एंड आई गारंटी यू गाइज कि आपको खाना बेहतरीन मिलने वाला है, आपका एक्सपीरियंस गज़ब होने वाला है। 1100-1200 की मील इन अ बॉक्स है ये, दो जने तो मेरे जैसे आराम से पेट भर के इस मील में खा सकते हैं। आई थिंक इट्स वैल्यू फॉर मनी अगर आप इसे ऑप्ट करते हो। बाकी हाँ, अगर आपको इसका वेज वर्जन भी देखना है देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी आज के लिए आई जस्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड आई विल सी यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन। पीस। क्या कॉफ़ी बनाई है ना, और ये खाना बनाया है इन्होंने, वाह।